आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज आप जो ये फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है क्लांचो। क्लांचो बहुत ही आसानी से लगने वाला एक ऐसा प्लांट है जो एक बार आप लगा लेंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स इससे फिर मिलते रहेंगे और भर भर के फूल ये आपको देता रहेगा। ये बहुत सारे रंगों में इसके प्लांट्स आते हैं और जो आप चाहें तो प्लांट भी ला सकते हैं या आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये प्लांट तो खैर मेरे पास नहीं था इस कलर में, तो मैंने ख़रीदा है, इसको परचेज किया है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप कोई प्लांट ख़रीद कर लगा रहे हैं तो मैं आपको इसीलिए देखिए चारों तरफ से दिखा रही हूँ घुमा घुमा कर कि ख़रीदते समय ध्यान रखिए कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस अगर निकल रही हूँ तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे, ये फ़ायदा होता है। दूसरे क्या ख्याल रखना होता है कि उसकी पत्तियों का रंग हरा हो, अगर हरे रंग में है तो, या जिस रंग की भी पत्तियों वाला आप देख रहे हैं तो उनमें एक ताजगी हो, जिंदा दिली हो, प्लांट्स अलग ही दिख जाते हैं जो हेल्दी होते हैं। देखिए जैसे इसके स्टेम दिख रही है, ये देखिए। तीसरे अब मैं आपसे बताऊंगी कि इनमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, कैसी मिट्टी में लगाना है, ये मैं आपसे बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये देखिए, जिन भैया से मैं प्लांट्स खरीदती हूँ, यहाँ पर आते हैं जो आते हैं ना फेरी वाले भैया, एक लेकर एक गाड़ी से उसमें, तो ये एक कटिंग उन्होंने मुझे दी थी लेकिन मैंने उनको उसके पैसे दे दिए थे, ये देखिए। तो कई बार हमारे से कटिंग्स भी चल जाती हैं और ये इतनी बड़ी कटिंग थी जितनी ये है, मैं आपको भी लगा कर बताऊँगी कि कैसे इनको लगाए जाते हैं। देखिए इस प्लांट में से मैं यहाँ से एक कटिंग लूँगी, वैसे मैंने लेनी नहीं थी, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होएगा और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। अब मैंने जो मिट्टी हटाई है तो कटिंग लेते समय आपने क्या ख्याल रखना है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी रूट बन रही है इसकी, इसी प्लांट में से है ये देखिए, और इसकी रूट बन रही है ये, तो जहाँ ये रूट बन रही है, जब भी आप कोई नई कटिंग लेते हैं ध्यान रखिए कि उसमें देखिए कोई नोट के पास अगर रूट है तो वो कटे ना, और उसके नीचे से हम इसको काटेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने अभी जो आपको दिखाया था ना इसको कट करने से पहले, तो जो ये ऊपर वाली रूट है, ये देखिए ये वाली जो रूट है जहाँ मैंने ये लगाया है कटर, यहाँ रूट थी लेकिन जब मैंने इसको कटिंग करी, देखिए नीचे भी और रूट्स हैं, ये बहुत आसानी से कटिंग चल जाएगी, बेस्ट तरीका होता है कटिंग लगाने का। अब देखिए ये 9 इंच का पॉट है गमला, 9 इंच, और इसमें मैंने ये देखिए सॉइल मिक्सचर मिलाकर रख लिया है पहले से। क्या रखा है मैंने, देखिए ये है गार्डन सॉइल, मैंने इसको धूप में अच्छी तरह सुखा लिया था। गार्डन सॉइल में मैंने मिलाया है काऊ डंग मटेरियल, ये देखिए काऊ डंग है ये गोबर की खाद है, और काऊ डंग के साथ मैंने थोड़ी मिलाई है इसमें देखिए नीम खली, ताकि कोई कीड़ा ना लगे। और इधर है ये देखिए रेत, रिवर सेंट किस लिए मिलाते हैं, ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम सही रहे, नीम खली से कीड़ा नहीं लगेगा और गोबर की खाद से ताकत मिलेगी। इन सबको मैंने यहाँ भर कर, और देखिए अब हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ये देखिए दिखाते हैं, इसको यहाँ रखकर मिट्टी से अच्छी तरह दबा देंगे और इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे, अभी इसमें वाटरिंग मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मिट्टी में देखिए कितनी नमी है, अगर आप इसमें और वाटरिंग करेंगे तो ये जड़ें बिल्कुल इसकी गल जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये कटिंग मैंने बिना जड़ों वाली लगाई थी और ये चल पड़ी है, इसमें देखिए कलियां आ गई, लेकिन अभी मैं इसके इन पत्तों को नहीं काटूंगी क्योंकि नहीं तो ये हिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको बिना जड़ों वाली विदाउट रूट कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको बहुत दिनों तक टच मत कीजिएगा, जब तक कि वो अच्छी तरह चल ना पड़े। अब बात करेंगे धूप की, इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप इसको 4-5 घंटों की धूप देंगे तो आप ऐसे ही बहुत भर भर के फूल लेते रहेंगे और एक से बहुत सारे प्लांट्स बनाते रहेंगे। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें धूप बहुत पसंद होती है, कुछ को छोड़कर, वो भी मैं आपको चलते चलते दिखा दूँ, कहते हैं ना एक के साथ एक का जमाना है आजकल भी। ये देखिए सिनरेरिया चल पड़े हैं, देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आ गई, मैंने आपको लगाने बताए थे, ये देखिए। तो सिनरेरिया को बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं है, सिनरेरिया को लगा सकते हैं आप छाया में, और इंपेशेंस
और प्रिमरोज, ये देखिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए विषय नए टॉपिक के साथ। आपका हर दिन हर पल बहुत खुशियों भरा हो, उमंगों भरा हो। धन्यवाद।